सरकार का सबसे बड़ा ऐलान कॉरपोरेट टैक्स को लेकर हुआ। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% लगेगा। इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17% टैक्स देना होगा। इसका फायदा देश की उन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो 30% के कॉरपोरेट टैक्स स्लैब में आती हैं। यहां बता दें कि कंपनियों की जो भी कमाई होती है कॉरपोरेट टैक्स उस पर ही लगता है। इसके दायरे में प्राइवेट लिमिटेड या लिस्टेड और बिना लिस्ट वाली सभी तरह की कंपनियां आती है। कॉरपोरेट टैक्स को सरकार के रेवेन्यू का अहम हिस्सा माना जाता है। बहरहाल सरकार के नए फैसले के बाद राजस्व पर 1,45,00,000 रुपए का बोझ पड़ने की आशंका है। एनी न्यू डोमेस्टिक इनकॉर्पोरेटेड ऑन एनी न्यू डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एन ऑप्शन to pay income tax at the rate of 15.15%. This benefit is available to companies which do not avail any exemptions or incentives and commences their production on or before 31st March 2023. सरकार ने नए निवेश करने वाली घरेलू कंपनियों को भी दी राहत। दरअसल अब 1 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाने वाले कारोबारियों को 15% इनकम टैक्स देना होगा, जो सरचार्ज और सेस के साथ 17.10% हो जाएगा। वर्तमान में नए निवेशकों को 25% की दर से टैक्स देना होता है। इस फैसले से मोदी सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में भी राहत दी है। कंपनियों को अब मौजूदा 18.5% की बजाय 15% की दर से मैट देना होगा। कैपिटल गेन्स पर राहत देने के फैसले से भारत में निवेश से कतराती विदेश कंपनियां वापस लौट सकती है। सरकार ने शेयर बाजार और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कैपिटल गेन्स पर से सरचार्ज हटाने का ऐलान किया है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन्स टैक्स सरचार्ज में छूट का वित्त मंत्री की ओर से ऐलान होते ही देश में शेयर बाजार झूम उठा। बीएसई सेंसेक्स ने आज 2,280 अंकों की उछाल हासिल की। सेंसेक्स में महज एक दिन में ही करीब 6% का ये जोरदार उछाल देखने को मिला है। यही नहीं, निफ्टी में भी 624 अंकों का उछाल आया। इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू द कैपिटल मार्केट इट इज प्रोवाइडेड दैट द एनहांस्ड सरचार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 शैल नॉट अप्लाई ऑन कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ एन equity oriented fund or a unit of a business trust liable for securities transaction tax in the hands of an individual HUF AOP BOI and AJP। लंबे समय से सुस्ती झेल रही भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिहाज से सरकार ने बेहद पॉजिटिव ऐलान किए हैं। इस वजह से शेयर बाजार खिलखिला उठा है, वहीं कारोबार जगत में भी जश्न का माहौल है। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट इस राहत को शॉर्ट टर्म मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कैसे खास मुद्दे की। लंबे समय से यह चल रहा था कि आखिर भारत की इकोनॉमी का होगा क्या। शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, सोने के भाव आसमान में जा रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मायूसी छाई हुई थी, बेरोजगारी की बात हमेशा हुआ करती थी, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बार ये बूस्टर डोज जरूर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडियन इकोनॉमी के लिए दी है। 1.7 लाख करोड़ रुपए जब रिजर्व बैंक से निकाल करके कहा था कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स और इनमें देंगे, 70,000 बैंक्स की बात कही थी कि उनको देंगे, इससे मार्केट में एक बूम आना चाहिए, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि शेयर मार्केट जिस तरह से जंप किया है उसको देख करके एक बार के लिए लगता है कि थोड़ा माहौल बना है।
चलिए हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त आरपी विजय साहब, भाजपा नेता हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हमारे साथ सतीश गुप्ता जी, जो कॉरपोरेट सेक्टर का एक जो व्यापारियों की यूनिटी है उसके पदाधिकारी हैं। भंवर सिंह जी, सीपीएम नेता हमारे साथ हैं। सचिंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, जो सीए हैं। मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। निर्मला सीतारमन जी के इस अनाउंसमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? इस अनाउंसमेंट को मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो निराशा छाई हुई थी, उससे एकदम से माहौल एकदम से चेंज हो गया है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इसको मार्केट में। स्पेशली जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज के ऊपर एज इट इज कंपनीज एक्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर था कंप्लायंस का, और इनकम टैक्स के कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा रिलीफ देके मेरे को लगता है बहुत अच्छा कदम है। लेकिन साथ में ही मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में जहां अभी कंपनियां उतनी नहीं बनी हैं जितनी हमारे यहां पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो पार्टनरशिप फर्म्स को अगर हम कंपनी से अगर कंपेयर करते हैं तो वहां कंपनी में तो हमारा 22% तक टैक्स को ले आए हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म में 30% है अभी टैक्स की जो लेट है। तो इसलिए मैं सरकार से और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो अपने हमारी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एलएलपी हैं, उनकी रेट की तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे तो मार्केट में और अच्छा असर पड़ेगा इसका। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एमएसएमई की तरह है कि बड़ा एक बल्क में उन व्यापारियों की बात करें तो वो उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, एमएसएमई का बड़ी उम्मीद है। ये अभी वैसा ही लग रहा है कि जैसे, माफ करिएगा, अरुण जेटली साहब जो दिवंगत हो चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि मीडियम क्लास अपने हाल पे। तो लगता है कि उनको भी ये दिवाली से पहले विजय साहब को तोहफा दिला सकते हैं। विजय साहब, आप पार्टी के नेता हैं लेकिन आप पहले पेशे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखो, ऐसा है गुंदर जी, मैं इस जो आज स्टिमुलस पैकेज जो 1,45,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इन्होंने दिया है निर्मला सीतारमन जी ने, उसको बहुत ही पॉजिटिव लेता हूं। और इंडियन हमारी जो इंडस्ट्री थी उनकी एक मांग थी कि किसी भी तरीके से टैक्स जो हमारा है वो एट पार किया जाए, जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं या यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ, तो हम उनके साथ कम्पीट कर सके। तो वो जो कम्पीट करने वाली जो बात है उन्होंने डेफिनेटली आज इस मुकाम पे लेके आए हैं उनको कि वो आज कम्पीट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो चीजें चल रही थी उसके हिसाब से हम एट पार आए हैं। और जो इन्होंने बुस्टअप किया, जो आज रोजगार की जो कमी थी सबसे ज्यादा, उसके लिए भी उन्होंने जो स्टार्टअप है या नई कंपनियां हैं, न्यू कॉर्पोरेट जो अगर आएगा तो उसके लिए टैक्स रेट घटा करके 30% से 15% किया है, तो बहुत अच्छा है। एक तरीके से मैं कहता हूँ 25% भी अगर मान लेते हैं तो आज की तारीख में 10% का जो रिबेट दिया है वो कोई कम रिबेट नहीं है। इसी तरीके से अगर अपन जो 3% कंपनियां ऐसी रह गई थी जो 400 लाख करोड़ से ऊपर का जिनका टर्नओवर था, उनके ऊपर जो 30% का था वो तकरीबन 35-36% पड़ता था, उसको घटा करके इन्होंने 25.17 पे लेके आए, तो 10% का जो कटौती की वो कोई कम नहीं होती है। इससे मैं ये मानता हूं कि आने वाले टाइम में ये टाइम लगेगा, नो डाउट, बट आज इकोनॉमी जो शेयर मार्केट ने जो दिखाया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके बैंक और बैंक निफ्टी 10% से ऊपर चढ़ी हो। आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो तकरीबन 6.5-7% के आसपास चढ़ गई थी। तो ओवरऑल ये है कि ओवरऑल इंडस्ट्री है, चाहे शेयर मार्केट है, सब इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि इन दिनों में एक्चुअली क्या है कि मोदी जी वहां जा रहे हैं अमेरिका, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे पास जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हम जो बात कर रहे थे गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के अलावा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब बढ़ेगा, और प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार जरूर बढ़ेगा। तो रोजगार की जो हमारी थी ऑटो सेक्टर में थी, टेक्सटाइल सेक्टर में थी, और भी कई सेक्टर थे, उन सब में ये प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम दूर हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आज स्टिमुलस पैकेज दिया इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स आप मान रहे हैं कि दिखाई देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट टर्म भी आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, सतीश जी से बात करना चाहूंगा। सतीश जी, जो इम्पैक्ट अनाउंसमेंट के बाद शेयर मार्केट पे दिख रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वर्चुअल दुनिया है, ये रियल मार्केट पे कितना असर देखा जाएगा इसका? सर, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आज जो 5-6 तरीके से रिलीफ दिया है उसका निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तुरंत कितना फर्क पड़ा वो आपको शेयर मार्केट ने दिखाया है, पर शेयर मार्केट निश्चित रूप से रियलिटी बयान नहीं करता है, जब टूटता है तब भी और जब बढ़ता है तब भी। वास्तविक कितना फर्क पड़ेगा, कितना रुपया होगी जेब में आएगा, जब तक सरकार स्पेंडिंग नहीं करेगी तब तक बहुत मुश्किल है। हालांकि इनकम टैक्स के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि हम टैक्स रेट को 25% से 22% करते हैं,
उन्होंने कहा कि जो नया सेटअप आएगा, नया स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं, जो नया सेटअप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा उसको हम 15% पे टैक्स लगाएंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया जिससे कि शेयर मार्केट तुरंत चढ़ा कि सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन उन्होंने खत्म किया कि सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन हम खत्म कर रहे हैं, जो कि उनके दिमाग बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। लंबे समय से डिमांड भी चल रही थी, डिमांड चलनी जो उन्होंने फॉरेन वालों को तो मान ली थी, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी आज ये माना, तो इससे बड़ा बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। एक बात गुप्ता साहब रोक करके मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे यहाँ पे आ रहे थे मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया उसको लेकर के लग रहा था कि निवेश बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था, उसकी वजह जो विश्लेषक मानते थे उनका ये था कि एटमोस्फेयर जब तक आप इंडियन कैपिटल जो होल्डर्स हैं उनको जब बेनिफिट नहीं देंगे तब तक वो माहौल नहीं बन पाएगा, तो लगता है आपको इससे एक एटमोस्फेयर क्रिएट होगा उसके बाद फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे ज्यादा निवेश लाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है कि आज शेयर बाजार ने पॉजिटिवली इसको रेस्पॉन्ड किया है। परंतु मैं अब भी मानता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में विजय जी आपने सही कहा, हमारे विजय जी यहां बैठे हुए हैं और इनके माध्यम से मैं और आपकी टीवी के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री से ध्यान चाहूंगा। अभी एक सेक्शन और 115BB इनकम टैक्स एक्ट में 60% टैक्स लगाता है, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में 60% प्लस 15% 75% प्लस ये लगा के 78% जाके बैठता है, वो किसी तरह से व्यवहारिक नहीं है। इसके कारण इनकम टैक्स में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा है। अगर सरकार उसको भी आज की तारीख में कुछ ऐसा निर्णय करे कि वो 60% लगे, ये तो मिनिमम रूटीन में ले आए, उसे रेगुलर शेप में ले आए, तो निश्चित रूप से पेनल्टीज, अगर कोई चोरी करता है उसमें पेनल्टीज का प्रावधान है, प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, उसको वहीं पे रखे, पेनल्टीज बढ़ानी हो बढ़ाए, लेकिन टैक्स रेट बढ़ा करके हम किसी को पेनलाइज करना चाहते हैं तो वो शायद गलत है। और इसके कारण से भी जो सर्वेज और सर्चेज में डिक्लेरेशन कम होना शुरू हुए हैं, डिक्लेरेशन लोगों ने बंद कर दिए हैं, उससे सरकार को मेरे हिसाब से काफी नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार को ध्यान, वो वजह ये है कि आप उसे व्यवहारिक नहीं बना पा रहे हैं, लोगों को लगता है कि और बर्डन है, और लायबिलिटी आज इतनी बनती है, अगली बार हो सकता है आपका धंधा कम है और आपने कम किया तो बड़ी एक अजीब गरीब स्थिति की, पहले आपकी इनकम ये शो हो रही थी अब ये कैसे हो गया। जो फ्रेंड्स कई कहते हैं कि साहब बड़ी अजीब गरीब स्थिति, अगर बाई मिस्टेक या एक बार की समयावधि में हमने अगर कहीं पे इनकम ज्यादा दिखाई नेक्स्ट टाइम के लिए वो तो बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति। मुझे लगता है कि अभी से वो वक्त आ गया है कि सब लोग समझदार हैं, आईटी का युग है, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो सारी चीजों को अभी बिल्कुल उस मोड़ पे ले जाना चाहिए ताकि क्यों कोई अपनी चीजों को छिपाएगा। अभी बहुत सरकार ने उचित कदम लिए हैं, इसके पहले जो सबका विश्वास लीगेसी स्कीम जो सरकार सर्विस टैक्स में लेकर के आई बहुत अच्छा कदम था, इसके बाद में सरकार ने जो टैक्स अपील्स के लिए अमाउंट बढ़ाया, मॉनेटरी लिमिट बढ़ाई, वो बहुत अच्छा कदम था, ये एक विश्वास बनाने वाला कदम था। परंतु अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, जीएसटी के अंदर रिवीजन ऑफ की फैसिलिटी नहीं है, GST R-1 और 3B को तुरंत रिवाइज कर सके, हमारी गलती ठीक कर सके, उसके कारण से सरकार को व्यापारी को नुकसान तो बहुत कम है, अल्टीमेट कम्युनिटी जाकर तो नुकसान सरकार को होता है। ये सब समझना पड़ेगा, व्यवहारिक बनना पड़ेगा जैसा आपने कहा, और वही नियम वही कानून लाने पड़ेंगे जो कि सरल भी है, उसको समझ सके और इम्प्लीमेंटेशन में इजी हो, टैक्स का पेमेंट कर सके। जी जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा कदम है। मैट में बता रहा था, मैट को इन्होंने 15% कर दिया है 18.5 की जगह, और इन दो सिचुएशन में नए वाले जो इंडस्ट्री आएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो प्लस जो इंडस्ट्रीज अभी है 22% की, इन पे मैट लगेगा नहीं। मैं इनके बॉस सचिंद्र जी के सुझाव से भी सहमत हूँ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज हमारा इंडिविजुअल यूनिट की टैक्स रेट ज्यादा हो गई है, हमारी पार्टनरशिप फर्म की टैक्स रेट ज्यादा हो गई है, हमारे LLP की टैक्स रेट ज्यादा हो गई है, कंपनी की कम हो गई है। कंपनी में आज एक और समस्या है जो आपसे इस टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने सारे फॉर्मेलिटी डाल दी गई है कंपनी के ऊपर, इतना टैक्स कम करने के बावजूद भी क्या लोग कंपनी बनाएंगे, क्योंकि उसको लोन लेना, कोई व्यापार करने के लिए खुद के पास पूंजी नहीं होती है, उसको बाजार से लोन लेना पड़ता है, प्राइवेट लोगों से लोन लेना पड़ता है, और वो उन्होंने सब बंद कर रखा कि आप इससे भी लोन नहीं ले सकते, इससे भी लोन नहीं ले सकते, इसीलिए तो इतना सालाना रिटर्न बननी पड़ेगी, इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। ये सब चीजें जितना ज्यादा कठोर बनाएंगे, व्यवहारिकता के दूर जाएंगे, तो शायद ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया हमने इसका पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी भी आप ग्राउंड रियलिटी को जानिए, और जब तक जैसे आज बड़ी कंपनियां कितनी है एम्प्लॉयर, बड़ी कंपनियां बिजनेसमैन की तरह देखिए, आज MSME सेक्टर अभी भी लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि आप हमें राहत दीजिए, क्योंकि आज जॉब वर्क अगर किसी बड़ी कंपनी का, वो आपका MSME करता है, बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है MSME सेक्टर, लेकिन आज भी उसके और इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि हम दे रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट घरानों की तरफ दे रहे हैं, और ये
पार्टनर फर्म हो चाहे इंडिविजुअल फर्म का इश्यू हो, ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो एक बहुत बड़े उसमें कहूं कि मैं जिनकी संख्या ज्यादा हो सकती है व्यापारियों में। भंवर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मार्केट ने लंबे समय बाद कहा जा रहा है कि दिवाली का एक तोहफा दिया है निर्मला सीतारमन ने, 1 घंटे के अंदर निवेशकों ने 5 लाख करोड़ रुपए कमाने का दावा किया भी मार्केट ने, तो एक बूम आया है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इसे? अभी 16 लाख करोड़ खोए हैं उन्होंने, तो अभी तो 11 लाख करोड़ का तो बाकी पड़ा हुआ है ना, 5 लाख करोड़ ही रिकवर हो रहा है, 11 लाख करोड़ का तो अभी घाटा बरकरार है। तो ये सट्टा बाजार है, इस पे कभी विश्वास ना करें जैसे आप बोल रहे हैं। ये जुआ है, ये क्या है, कौन चलाता है इसको? ये चलाते हैं अंबानी साहब इसको, शेयर मार्केट को, अडानी साहब वही चलाते हैं, अरे वही चलाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शेयर मार्केट इतना बाजार गंदा है कि इसको आम आदमी की जेब से लूटने का माध्यम है ये, क्योंकि वो बेचारा क्या देखता है? नहीं नहीं बात जिन्होंने 16 करोड़ देखो, अगर नहीं एक आध बात देंगे ना, ये जुआ है, 10 में से 1 आदमी को टिकट पे पैसा मिलता है, अगर 1 को नहीं देंगे तो 9 भी नहीं लगाएंगे ना, वो 9 इस लालच में लगाते हैं कि 1 का फायदा हो गया तो अभी थोड़े और लगाएंगे। ये एक बाजार का तरीका है, शेयर बाजार का तो बहुत गंदा मार्केट होता है, इसमें सिवाय लूट के कुछ नहीं, ओवरऑल आप जब देखेंगे तो सिवाय घाटे के कुछ नहीं है, बहुत लोग आत्महत्या कर चुके हैं शेयर मार्केट के चक्कर में, मैं आपको बता दूं, और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मर रहा है, बड़े वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ता। अभी आज जितनी भी छूट दी गई है, जैसे आपने मिडिल क्लास की चिंता कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूं, एमएसएमई को क्या दिया इन्होंने मुझे बताइए, 6.5 लाख कारखाने बंद हो चुके, उनके यहां सबसे ज्यादा रोजगार होता है, वो सबसे ज्यादा बर्बाद है, उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान है, ये पूंछ के बराबर है जिनको छूट दी गई है, ये हाथी की पूंछ है केवल, इनका जीडीपी में हिस्सा कितना ये देखो आप, ये केवल 15% हिस्से वाले लोग हैं जिनको छूट दी गई है, जो 85% इसमें देते हैं जीडीपी में मदद, उनको तो छूट नहीं दी गई है, तो इससे फायदा मिलने वाला नहीं है। बाजार में शेयर बाजार बढ़ने से कोई मार्केट नहीं बढ़ जाएगा, कोई कार कल से बिकना बहुत शुरू नहीं हो जाएगी, कल से कोई कपड़ा बिकना शुरू नहीं हो जाएगा। हकीकत को समझने की जरूरत यह है कि आज भारत में कपड़ा जो है लोकल मार्केट का नहीं, आगे बांग्लादेश से सिल के आ रहा है, बांग्लादेश का कपड़ा आ रहा है, हमारा पूरा भीलवाड़ा बंद पड़ा हुआ आज की तारीख में, हमारा सांगनेर बर्बाद है। मैं आज ही सांगनेर के व्यापारी से बात कर रहा था, बोला हमारी हालत ये हो रही, हमने अहमदाबाद कपड़ा बेचा 2 लाख का, वैसे ही नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वापस माल भेज रहा है, अब 2 लाख का माल वापस आएगा तो 1 लाख में दूसरा खरीदेगा नहीं, क्योंकि रिटर्न माल की आधी कीमत हो गई, बाजार में ये हालत है। तो जो लोग छोटे जो लोग है ना, जो इस इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उनको कोई मदद नहीं है, ये केवल उन बड़े लोगों को मदद दी है कॉर्पोरेट टैक्स के। मैं आपको बताना चाहूंगा, 6,000 नौजवान भारत का जो युवा उद्योगपति है वो भारत छोड़ के विदेश जा चुका है, 6,000 इंडस्ट्रियलिस्ट, वो यहां पर उद्योग नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये 50 तरह के लफड़े जो बता रहे हैं, 85% तक टैक्स दो, ये दो, आज इनकम टैक्स डिजिटल कर दिया उन्होंने, लेकिन आपको पता है उनको उस पर इंक्वायरी करने का अधिकार तो है ही ना, वो उस पर आरोप लगाते हैं ये आपका मामला ठीक नहीं है, फिर लगाते हैं ये आपका ठीक नहीं है, फिर लगाते हैं ठीक नहीं है, और सबसे आखिर में 20% दे रहे हो क्या, जब तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो कोई भ्रष्टाचार रुक थोड़ी है, भ्रष्टाचार डिजिटल करने से कुछ नहीं रुकता है, पावर तो है ना, अब वो कंप्यूटर पे पावर हो गया, पहले कलम में था, अब कंप्यूटर पर पावर है। वापस आऊंगा आपके, मैं मिश्रा साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। मिश्रा साहब, मैंने पहला रिएक्शन लिया आपका कि बाजार में बूम आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपने बताया बड़ा पॉजिटिव है, कुछ डिमांड्स हैं कि पब्लिक की ये भी होना चाहिए, लेकिन चलिए मैं, क्योंकि ये हम अभी भी, मैं तो ये कहूंगा कि शेयर मार्केट का अप एंड डाउन वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल, आज अगर वो डाउन भी जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो रियल ग्राउंड रियलिटी उसमें आकार मच जाए, या बूम हो गया तो बिल्कुल आज कल से गाड़ियां बिकना शुरू हो गई। ऑटो मोबाइल सेक्टर को लेकर के बड़ा चिंता का विषय है, हम चाहे बेशक खबरें कितनी भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो मायूसी है, मैं मार्केट की मायूसी टूटने की मुझे फिक्र है, मैं वो जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में इस बूस्टर डोज से मायूसी टूट पाएगी मार्केट की? देखिए, मायूसी पूरी तरह तो नहीं टूट पाएगी, ये जरूर है कि एक शुरुआत की गई है और अच्छी शुरुआत की गई है, जैसा कि इन्होंने बताया, सतीश भाई ने भी बताया कि मार्केट में, मतलब आप, इट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, कि अगर सेंसेक्स अगर आपका बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसका मतलब वो इकोनॉमी की कंप्लीट पिक्चर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, वो एक अच्छी पिक्चर है, पॉजिटिव पिक्चर है, ये बात सही है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ये बात भी सत्य है। तो हमको कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए जाना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो हमारा स्तंभ है इकोनॉमी का, वो है एमएसएमई सेक्टर, और एमएसएमई सेक्टर में जब से नरेगा आया, महानरेगा आया, कांग्रेस के टाइम पर महानरेगा आया, बीजेपी ने हमेशा ये बोला साहब नरेगा को बंद करेंगे हम, बताइए साहब बोला कि नहीं बोला?
बोला, लेकिन उस महानरेगा की वजह से क्या हुआ, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो लेबर्स हैं वो सब लोग पलायन कर गए यहाँ से अपने अपने घर में। एक एक व्यक्ति ने चार चार अपनी फैमिली से नाम लिखा दिया, और पहले वो कैश में उसको घूस देता था, अब वो उसके सीधे बैंक में पहुंचता है, वो निकाल के अपने सरपंच को ले जाके पैसे दे देता है। तो घूस तो अभी भी चल रही है, प्लस उस चक्कर में लेबर यहाँ से गायब हो गई है। तो मेरा सरकार से एक छोटा सा निवेदन है कि एमएसएमई सेक्टर में पार्टनरशिप फर्म्स के लिए स्पेशली एक तो रेट को 30% से ठीक किया जाए। 44AD एक सेक्शन है जिसमें अगर मैं ना प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर टैक्स देता हूँ 2 करोड़ के टर्नओवर तक के ऊपर, तो उसमें से मेरे पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है और जो डेप्रिसिएशन है और पार्टनर्स का रेमुनरेशन है वो डिसअलाउ कर देते हैं। तो वर्चुअली 30% की जगह पार्टनरशिप परसेंट जो टैक्स दे रही है वो 70% का टैक्स दे रही है। वो तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा जो है गैप है, एक तो उसको एड्रेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा जो है, जो लेबर, अगर हमारा एमएसएमई सेक्टर अगर लेबर को एंगेज कर रहा है तो लेबर को हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि अगर आपने मान लो 50 लाख की लेबर के ऊपर खर्चा किया है और चेक से खर्चा किया है, ईएसआई पीएफ अगर आपने पे किया है, तो इनकम टैक्स में उसका आपको 1.5 गुना डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने किसी मुस्लिम भाई को अपने, या मुस्लिम ने किसी हिंदू भाई को अगर अपने जो है रोजगार दिया है, तो उसको 1.75 टाइम्स 2.5 गुना उसको डिडक्शन मिलना चाहिए। किसी महिला को अगर आपने रोजगार दिया है तो 2 गुना डिडक्शन मिलना चाहिए। इस तरह के कुछ उपाय अगर ये लोग अपने इसमें लेकर आएंगे प्रोविजन में, तो मुझे लगता है कि ये जो रोजगार की समस्या भी दूर हो जाएगी और एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो प्रोडक्शन है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और सरकार को जो इधर से जो इंसेंटिव देगी वो टैक्स के रूप में वापस वसूल कर सकेगी। बिल्कुल, खुशी खुशी देंगे लोग, बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि इसे आप बिल्कुल व्यवहारिक बनाइए और लोगों की हैबिट में तभी आ पाएगा। लोगों को जोड़ना पड़ेगा सर, मैन्युफैक्चरर के साथ लेबर को जब तक आप जोड़ने का काम नहीं करेगी ना सरकार, सरकार अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना रेवड़ियां और बिस्किट डायरेक्ट, तो वो कभी भी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे साहब, बल्कि लोगों को आप आलसी बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई ने अभी सवाल भी खड़ा किया है इस पे कि आप किसानों को राहत दे रहे हैं, किसान कर्ज माफ भी कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन देखा कि आपने कि वास्तव में उसका कुछ बेनिफिट उसको मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल ठीक करें। मैं एक बार विजय साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सतीश जी के पास जाना चाहूंगा। सतीश जी, हम ये तो पहले बात की हमने कि हाँ वास्तव में असर क्या पड़ रहा है, कैसा देखते हैं, लेकिन मार्केट जिसके हम परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, शेयर मार्केट से कोई पैरामीटर नहीं है कि यहाँ चढ़ गया तो बिल्कुल मार्केट में बूम आ गया। मैं वो जानना चाहता हूं, चाहे छोटा स्टील का व्यापारी हो, ऑटोमोबाइल वाला हो, या फिर कपड़े का व्यापारी हो जिससे आपका सीधा वास्ता पड़ता है, उन लोगों के लिए दिवाली का ये तोहफा कह सकते हैं कि हाँ दिवाली से पहले चले एक धनतेरस तो नहीं है लेकिन उसके आसपास, क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है, पिछले दिनों जब मैं कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि व्यापारी हमेशा उम्मीद पे टिकता है, इतने दिन से जो मंदी की मार झेल रहा है उसको एक चिराग दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है दीपावली के 3 दिन, अगर उसमें 30% भी अगर हमारा टर्नओवर को हम कवर नहीं कर पाते हैं तो फिर व्यापारी टूट जाएगा, उसके उठने के लिए बहुत मुश्किल होगा, एक साल तक वो इंतजार नहीं करेगा, क्या माना जाए? मैं आपको बताऊं सर, इस जो बूस्टर डोज जो आज दी गई है, जो स्टिमुलस पैकेज आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसका तुरंत कोई लाभ उन व्यापारियों को मिलने वाला नहीं, जब तक ये जो कॉरपोरेट्स है जिनको आज 22% करके बेनिफिट दिया गया है, ये अपनी कॉस्ट कम नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की उस पैसे से, अगर वो करते हैं क्या, वो खुद उस पैसे को खुद की कमाई में अगर शामिल करना चाहते हैं, तो उन व्यापारी को, उस आम आदमी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने 3% के बेनिफिट को पास ऑन कर दिया कि हम ये आम, हमारे आम ग्राहक को जाएगा, जो हम कम कर देंगे, कॉस्टिंग डाउन कर देंगे, तो उनकी लागत में कमी आने की उम्मीद है, परंतु वो इतनी जल्दी, दिवाली में बचा कितना, 2 महीने के करीब, सवा महीना के अंदर ये सब चीजें हो जाए, इसकी बहुत कम चांसेस हैं, और वो बेनिफिट 8 अक्टूबर को दशहरा है, परंतु ये निश्चित मानिए इसके कारण से जो एक माहौल बदला है, एक ऐसा एक सोचने का तरीका बदला है, और अगर बैंक्स ने फाइनेंस देने के अंदर थोड़ा लिबरल, जैसा कि आज सुनने में आया था कि कैंप्स होंगे लोन के लिए, बहुत दिनों बाद में वापस शुरू होंगे लोन के कैंप्स लगेंगे, अगर वो माहौल जल्दी से जल्दी एक्शन में आ गया और पैसा बैंक्स ने देना शुरू किया, जेन्युइनली जिन लोगों को जरूरत है उनको देना शुरू किया, अगेन वो ध्यान रखते हुए कि वो फिर कोई बहुत बड़ा कोई
माल्या या कोई इस तरह का आदमी सरकार को देश को चुनाने लगा जाए उनका ध्यान रखते हुए एमएसएमई वाला नहीं भागा बेचारा कोई तो मोटे ही भागता बहुत जरूरी है एमएसएमई वाला नहीं भागता सर वो आपको वो बूस्टर अभी आप देखो सर आप ये देखो कि क्या हुआ 1,70,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लिया उसमें 1,45,000 करोड़ रुपए तो आज दे दिया उन्होंने और 57,000 रुपए उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम 70,000 बैंकों को देंगे तो अब वो बाकी 67,000 करोड़ का फर्क तो हमारे बजट में पड़ना है बजट में तो कल टैक्स के फिगर आए थे सितंबर तक के फिगर इतने जबरदस्त वो थे कि 4.7% की इंक्रीज है अगेंस्ट 15% एक्सपेक्टेशन जो हमारे टारगेट था बहुत डाउन है 130 है तो उसके बाद हम कहां इस भी 60,000 करोड़ का जो डेफिसिट है रिजर्व बैंक से लेने के बाद वो कहां से लाने वाले हैं उसके बाद हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होगा फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा ये सारे सवाल आज पिक्चर में परंतु इसके बावजूद ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है वित्त मंत्री जी सरकार कि उन्होंने माहौल बनाया है माहौल बदलने में चले गांव में कुछ भी खुशी नहीं हो रही अगर बाजा बजता है आपके बजे चाहे पड़ोसी के बजे चीयर तो हर कोई करता है गांव में उनसे ये माना जा सकता है फिलहाल तो चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खास खबर बात कर रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए कहें कि मार्केट में बूम लाने के लिए बूस्टर डोज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दी है लेकिन इसका असर हमारी वर्चुअल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में तो अच्छा खासा दिखाई दिया है एक घंटे में ही कहा जा रहा है कि निवेशकों ने करीब 5,00,000 करोड़ रुपए कमाए हैं लेकिन वास्तव में इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है हम उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं हालांकि पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं लेकिन करना बहुत कुछ जरूरी है अभी और ये जो पैसा कैसे मैनेज होगा क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि 1.45 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को इससे नुकसान होगा अब ये पैसा 1.76 लाख करोड़ रुपए जो रिजर्व बैंक से आप निकाल रहे हैं उस पर इसका असर होगा तो 70,000 करोड़ रुपए फिर बैंक को आप कैसे देंगे ये पैसा कहां से आएगा क्योंकि जो हमारी बात निकल करके आ रही है और जो इस क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं उनका साफ कहना है कि ये पैसा ठीक है किसी के पास में जा रहा है लेकिन वो बिजनेस माइंड से यानी कि अपने प्रॉफिट गेन करने के लिए नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि चले हमें हमारे पास में पैसा आ रहा है तो नीचे जो हम लोगों के साथ में जूनियर ये कहें कि लोग जुड़े हुए हैं या हमारे जो जो वर्क हमारे साथ में कर रहे हैं हमारे छोटे व्यापारी उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस इस वजह से की जा रही हैं कि आज अगर किसी किसान के पास में अच्छी क्रॉप होती है वो मार्केट में पैसा लेके जाता है जैसे कहा जा रहा था कि किसान के पास में पैसा आएगा या नरेगा से पैसा आ रहा है दूसरे माध्यम से अगर गांव में पैसा आ रहा है तो ग्राउंड पे अगर इकोनॉमी आपकी सर्कुलेट हो रही है तो पैसा निश्चित रूप से मार्केट में आएगा रख करके कोई नहीं बैठता है उसको अगर बोनस दिया जाता है तो बोनस पे दीपावली पे उसकी चकाचौंध अलग दिखती है ये दिखता है वास्तव में अगर जेब में पैसा है तो खर्च करने की किसी की भी इच्छा होती है अब सवाल यहीं पे है कि वास्तव में अगर कॉरपोरेट बड़े अगर बिजनेस ग्रहणों के लिए अगर ये बेनिफिट है तो मुझे जो लगता है बातचीत से उसका बहुत बड़े इंपैक्ट्स आज हो चाहे इन फ्यूचर हो जो मायूसी है उस पर ज्यादा नहीं पड़ पाएगा मैंने तो जैसे उदाहरण से समझा है कि गांव में अगर बाजा बजता है तो जोनार में गांव शामिल भी होता है दुल्हन उस घर में आ रही हो लेकिन चीयर हर कोई करता है तो फिलहाल तो उसी तरह से देखा जाना चाहिए वो लड्डू का स्वाद बहुत लंबा नहीं रहता है क्योंकि पानी पी लेते हैं नेक्स्ट डे वो गायब हो जाता है तो आरपी विजय साहब आपके पास जाना चाहूंगा मैं और मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने एक तंज भी कसा है ट्वीट के जरिए हाउडी मोदी को लेकर के और उन्होंने कहा कि ये सब आप करके एक इवेंट करके या फिर जिस तरह की फाइनेंस मिनिस्टर एक सोगा देने की कोशिश करे इससे इंडियन इकोनॉमी छिप नहीं सकती योगेंद्र जी आप सबको पता है राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे इकोनॉमी नहीं चलती है वो उन्होंने तंज कसा है कि भाई आप हाउडी मोदी करके वहां जा रहे हो यहां तुम्हारी इकोनॉमी पूरी खराब हो रखी है तो आज उनको ये एक बहुत बड़ा संकेत मिल गया है कि हाउडी वहां मोदी जी वहां नहीं पहुंचे उससे पहले एक बहुत बड़ी सोगा एक बहुत बड़ा बोनांजा 1,45,000 करोड़ रुपए की एक टैक्स रिबेट एक तरीके से दी गई है तो ये कोई कम बात नहीं है तो ये उनको जवाब मिल गया है दूसरी चीज मैं कहूं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए आज जितने भी हमारे 17,000 करोड़ अपफ्रंट जो बैंकों को दिया गया है उसके अंदर क्लियर कट इसलिए दिया गया है कि ये एमएसएमई सेक्टर को आप
जितना भी हमको फाइनेंस करना है वो आप लिबरल होकर के कीजिएगा। दूसरी चीज, आज उनको ये कहा कि 1 करोड़ रुपए तक का, 10 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग आप एमएसएमई में कर सकते हो, बट उसके अंदर ये कहा गया है कि भाई आप जो भी करो उसके अंदर मिनिमम रूल्स रेगुलेशन लगाओ। तो आज की तारीख में जो भी जिस तरीके की बाउंडेशन थी, पहले की जो भी लिमिटेशन थी, उन सबको खत्म किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। पहले हमारी क्या परिस्थिति थी, 115 नंबर पे थे हम, घट करके 60 पे आए हैं, 63 पे आए हैं। अब आने वाले टाइम में उनका जो आइडिया है वो भाई 50 में हम आने चाहिए वर्ल्ड के अंदर, और धीरे धीरे करके आएंगे। देखो क्या होता है कि इतने टाइम से इकोनॉमी अगर कोई खराब हो रही थी, नो डाउट मैं ये नहीं कह सकता कि साहब बीजेपी ने बहुत बढ़िया इकोनॉमी इन्होंने 4 साल के अंदर या 5 साल में कर दी थी, बट देखो क्या होता है कि जब बड़ा सुधार आता है, दो सुधार थे, डिमोनेटाइजेशन था या जीएसटी का रिफॉर्म था, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स होता है। और आज जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, न्यूजीलैंड की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, कई फिर की बात कर लो, ये जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सबके अंदर जो जीएसटी का इम्पैक्ट आया वो 8 साल बाद में, 7 साल 8 साल में जाकर के सेटल हुआ। वो आज हमारा तो यहाँ तीसरा ही साल है, दूसरा ही साल है, तो इतनी बड़ी चिंता नहीं है। उसके बाद में इतने डबल जबरदस्त चेंजेज आ रहे हैं। छोटी सी बात है विजय साहब, खराब बेहतर बता सकते हैं। आज इंडियन इकोनॉमी पे जीएसटी का कोई ये मन नहीं मान के चल रहा है कि जीएसटी की वजह से हम कुछ डाउन चले गए या उसकी वजह से नुकसान हुआ है, बिल्कुल नहीं है। व्यापारी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था सिस्टम को लेकर के। जीएसटी का किसी का विरोध नहीं है, न आज का व्यापारी ये बात कर रहा है। चलिए उसको जब लगता है कि बिल्कुल इसे थोड़ा सा व्यवहारिक बनाइए कि एक सेक्टर की ही कोई चीज है उस पर आप 5% जीएसटी, किसी पे 18% जा रहा है, बस वो उनको अड़चन है जिसको व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। अदरवाइज ये कोई नहीं कह रहा है कि हमारा व्यापार जीएसटी की वजह से ठप हो गया, उसका ठप्पा नहीं लग रहा है। नोटबंदी का जरूर असर मान रहे हैं लोग आज भी कि पैरेलल चलिए जो इकोनॉमी थी, लेकिन मार्केट बना हुआ था, उससे एम्प्लॉयमेंट हो रहा था लोगों का। अब वो ना तो करप्शन खत्म हुआ, ना वो ब्लैक मनी खत्म हो पा रही है, उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। सिर्फ व्यापारी की तकलीफ यह है कि जिस तरह से थोपा गया जीएसटी को, लागू नहीं किया गया, थोपा गया, उसकी तकलीफ है। देखो एक बात बताता हूं मैं, आप योगेंद्र जी, मैं व्यापारियों के बीच में बैठता हूं, व्यापारियों से बात भी करता हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो नेता लोग हैं, तकलीफ है तो धीरे धीरे आप सामने बैठे, एक बात तकलीफ नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? जो आदमी तकलीफ कैसे नहीं है, काम कर रहा था वो कंप्यूटर पे आएगा तो उसको डेफिनेटली टाइम लगेगा, सेटल होने में टाइम लगता है, वो टाइम लग रहा है। ये कहते हैं ना कि बच्चे के दांत आते हैं तो सब उसको थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो दांत जब सर सरकार खुद कह रही है इतना बड़ा रिफंड एक मेरी सुनो आप, सरकार खुद कह रही है कि एक्सपोर्टर्स के रिफंड अटके हुए हैं, तभी तो कैंप लगा रही है। नहीं कैंप नहीं साहब, अब तो बाद में एक्चुअली क्या होता है, नहीं पुराने वाले तो 30 दिन के, देखो मैकेनिज्म में थोड़ा टाइम लगता है, डिक्लेरेशन 2.5 साल हो गए, नहीं 2.5 साल की बात नहीं साहब, अभी ये तो 23 अगस्त को ही तो किया है एक्चुअली, जो डिक्लेरेशन हुई तो 23 अगस्त को, कितना टाइम हुआ इसको, तो मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना। अभी आप तो क्या व्यापारी खुश है, व्यापारी आपके सामने बैठ के बोल रहे हालत क्या भाई, आने वाले टाइम में 60 दिन के आपकी हालत सामने पता लग रही है ऑटोमेटिकली, मतलब मैकेनिज्म में सर, बट इट टेक्स टाइम। देखो कहां मिल रहा है लोगों को रिटर्न, लेवल पर चिट्ठी पकड़ा देते हैं वो पकड़ा देते उनको, कह रहे हैं कि उनको जो नोटिस मिलता है कम से कम उसमें भी तो थोड़ी राहत दी जाएगी। रिफंड के लिए बेसिकली क्या होता है, मैं बताऊं, एक मैकेनिज्म नया बनाया जा रहा है, उस मैकेनिज्म में टाइम लग रहा है। 23 अगस्त को तभी डिक्लेरेशन की है, निर्मला सीतारमण ने पहला जो स्टिमुलस पैकेज दिया था उसका पार्ट था ये, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं हो रही, टाइम से हो रही है। आप देखो कंटिन्यूसली छोटी आज स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, काम गति बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रही है और इसका आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। रही बात एमएसएमई सेक्टर, मैं कहता हूं कि इस बार तो अपने इंद्र देव वैसे ही मेहरबान हुए हैं, एग्रीकल्चर हमारी 60% इकोनॉमी को बढ़ा के लाती है, तो बाकी रही से लेबर है ना, बर्बाद कर रहे हैं ना, तो नहीं नहीं सर, मैं अभी आप देखो 5 जिले तो राजस्थान में, मैं कहता हूँ आज की तारीख के अंदर महानरेगा जो पहले हुआ करता था, आज के महानरेगा में बहुत अंतर है। पहले गड्ढे खुदते थे, आज की तारीख में असेट्स क्रिएट हो रही है, चाहे वो टॉयलेट ही बन रहे हो, चाहे वो मकान ही बन रहे हो, चाहे 2,67,000 की सब्सिडी जा रही हो, एट द कॉस्ट ऑफ एमएसएमई हो रहा है ना सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कॉस्ट पे तो हो रहा है। बात तो सुनो तो अल्टीमेटली रोजगार तो मिलेगा, तो यार अल्टीमेटली रोजगार की अपन बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है तो रोजगार तो जनरेट हो रहा है, तो भाई साहब एमएसएमई का क्या करें, हाईवे बनता तो उसमें भी रोजगार, एमएसएमई का क्या करें, आप मेट्रो बनती है तो भी आपका रोजगार होता है, आपकी 4 लेन की जगह 8 लेन होता है उसमें भी रोजगार मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि डाटा पूरा गवर्नमेंट के पास नहीं हो, बट मैं नहीं मानता जिस तरीके से काम हुए हैं उसके अंदर कोई रोजगार की कमी। मैं ये बात जानना चाहता हूं,
मेरे ख्याल में 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ जीएसटी ना, 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ दूसरा साल, ठीक है। 23 अगस्त को डिक्लेयर किया निर्मला सीतारमन जी ने जो कि ये रिफंड्स जो उसका राइट। आप ये बताइए मुझे साहब कि व्यापारी से तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल ये सिस्टम आपको दुरुस्त करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट भी तो अपना सिस्टम दुरुस्त कर रही है, तो ऑनलाइन था सारा, डिजिटल इंडिया का टाइम है कि 17 से जो देनदारी व्यापारी को रिटर्न करनी थी वो भी तो अपडेट होनी चाहिए थी। कोई व्यापारी इतना इंतजार करेगा कि 2 महीने तक करोड़ों रुपए के रिफंड फंसे हुए हैं, ब्याज लग रहा है, और फिर अगर कहीं पे भी कोई माइनर, बहुत ही माइनर अगर कोई मिस्टेक रह गई तो जीएसटी का डंडा उस पे सर पे हमेशा रहेगा। आपने विजय वो बना दिया आपने, एंटी हाँ एंटी करप्शन की तरह यूनिट्स बना दिए उसकी, हर ये बहुत हार्श प्रोसीडिंग सतीश जी देंगे इसका जवाब। एक बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो डीजीएसटी ने जो अभी इन दिनों में जो सर्वे जो छापे करे हैं उससे आपको उसका पता पड़ गया होगा किस तरीके से लोग बात फर्जी बिलिंग कर रहे थे। एक नाम आपको मैं रोकना चाहिए, मैं सहमत हूं, 700 करोड़ फर्जी बिलिंग करके उस आदमी ने 61 करोड़ रुपया कमाया, उसको सरेंडर आज वो जेल में। अगर ये प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे ईमानदार आदमी को चोट पहुंचती है, लेकिन जो ईमानदारी से जितने भी, मैं आपको बता दूं जितने भी सर्वे हुए हैं 101% सक्सेस है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हकीकत में गलत काम चल रहा था, तो ये करना भी चाहिए, मैं इसके सहमत हूँ। हाँ जो ईमानदारी से जो व्यापारी काम कर रहा है उसका जो रिफंड नहीं आ रहा है, उसका रिफंड आना चाहिए। उसका जो मैंने बताया मैकेनिज्म है उसके, अभी 23 अगस्त को डिक्लेरेशन हुआ, भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी एक साल भी नहीं, एक महीना भी नहीं हुआ, इसमें टाइम लगता है और काम हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि 60 दिन के अंदर हम कोई भी रिफंड होगा 60 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा, और आप डायरेक्ट उसका लिए अलग से उन्होंने एक सेक्रेटरी बैठा दिया है जीएसटी के लिए, मैं आपको बता दूं रिफंड के लिए। तो जब आज एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी वहां बैठेगा चीजों को एड्रेस करेगा खत्म हो जाएगी। देखिए आप इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारा एक पार्ट का रिफंड है जो पिछले 1.5 महीने पहले है ना सैंक्शन हो गया था। बात अपन नहीं कर रहे, और अपन ये स्टेट में 1.5 महीने पहले सैंक्शन हो गया था और आज तक उसके बैंक अकाउंट में नहीं आया। मैं भी आपकी जिसे प्रोफेशनल हूँ, व्यापारियों को प्रॉब्लम है, मैं भी जानता हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, एड्रेस करें। विजय साहब अगर पर्टिकुलरली विजय साहब कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चित तौर आगे ये प्रॉब्लम है, ये सब यार नहीं है तो बोलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको बताऊं अभी पार्टी प्रॉब्लम सच्चाई को मानिए, आप बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, योगेंद्र जी को सच्चाई को मानता हूं, नहीं सच्चाई मानना चाहिए, वही बात है। सतीश जी के पास जाना चाहता हूं, मैं सतीश जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए जैसे अभी विजय साहब ने एक बात कही कि जीएसटी के लिए भी लोग कह रहे थे, देखिए मुझे जो सुना है मैंने लोगों से जीएसटी पर 500 बार लॉयर्स को भी बुला करके, चार्टेड अकाउंटेंट्स व्यापारी सबको बुला के मैंने बातचीत की है, जीएसटी से कोई तकलीफ नहीं है उनको, जीएसटी देना था, टैक्स जीएसटी के रूप में देना पड़ रहा है या पहले इनडायरेक्टली जो भी मत थे उनमें से टैक्स देना, टैक्स तो हमेशा दिया है व्यापारी ने, टैक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यापारी कहता था कि साहब हमें उस तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया या थोड़ी राहत इस नाते देते हैं कि अगर कहीं किसी से गलती, देखिए टैक्स को चोरी कर रहा जेल जाना चाहिए इसमें कोई बात नहीं है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रहा है वो, करप्शन के माध्यम से करे चेक को तोड़ फोड़ के, वो करप्शन करप्शन होता है, जाना चाहिए, कोई उसको लाइक नहीं करता है कि आप क्यों उसको जेल भेजिए आप जेल में, लेकिन वास्तव में जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसको डर है मार्केट में ईमानदारी से रहना चाहता है, समय से जैसे आप लोग इंतजार करते हैं कितनी तारीख तक आपकी देनदारियां कंप्लीट करके फाइल कर दीजिए, सर वो भी तो डेडलाइन आप तय करिए कितनी तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए, और जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं दे रहे उनके लिए भी देखो तो रास्ता बनाइए, मार्केट तो तभी तो बनेगा, वो पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई है। मैं सतीश जी आपके पास आना चाहूंगा, मार्केट पे क्या वास्तव में जीएसटी का असर पड़ा? जीएसटी इतना अच्छा टैक्स है, और आपने सही कहा कि जीएसटी हर व्यक्ति देना चाहता है, कोई व्यापारी जीएसटी देने से किसी को एतराज, रेट्स पे कुछ सब कुछ चीजों के रेट्स पे एतराज हो सकता है, वो तो काउंसिल ने पहले भी कह दिया था कि हम इसको व्यवहारिक बनाएंगे, फिर से हमने समय समय पर उसको देखा है, आगे भी देखने की बात क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं है, परंतु जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ जीएसटी है, चाहे वो रिफंड की बात हो, आप सिंपल बात बताएं, अभी विजय साहब ने कहा कि कुछ लोग कर चोरी कर रहे हैं जीएसटी की, मैं इनकी बात से सहमत हूं और ये रुकनी चाहिए, परंतु क्या सरकार ने जब जीएसटी का सॉफ्टवेयर बनाया लॉन्च किया इस बात के लिए क्या इंजाम किए कि साहब हमारे इस सॉफ्टवेयर के कारण कोई भी आदमी चोरी नहीं कर पाए, जिसका पहला मकसद यही था कि करप्शन रुकेगा, चोरी रुकेगी, मकसद यही था। आज कोई भी व्यक्ति एक डेड पर्सन का जीएसटी नंबर ले लेता है
और रजिस्ट्रेशन लेकर के उसके नाम से चोरी कर लेता है, दो महीने में भाग जाता है। अब किसको पकड़ोगे आप? वो तो आदमी जिंदा ही नहीं है, तो क्या हम उसको रोक पाए? हमने क्या सिस्टम बनाया? आज से पहले सेल टैक्स एक्ट था, विजय भाई और हमारे मिश्रा जी दोनों जानते हैं, वहां भी जमानत लेने का प्रावधान था कि दो रजिस्टर्ड डीलर से जमानत ली जाती थी, तब जाके नंबर दिया जाता था। आज हमने पूरा विश्वास कर लिया, हर हर समुदाय में, हर देश में, चाहे कोई प्रोफेशन हो, हर में ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकार की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं और सक्सेसफुल उठा भी लेते हैं, और वो खुद उठा करके किसी और को फंसा जाते हैं। जैसे आज हमारे कई प्रोफेशनल ब्रदर्स और सिस्टर्स के ऊपर परेशानी आई हुई है बिना उनकी किसी गलती के, क्योंकि वो इस बात को पकड़ नहीं पाए कि ये आदमी फ्रॉड है, इसका मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना चाहिए, इसका मुझे जीएसटी काम नहीं करना चाहिए, उन्होंने भरोसे में कर दिया और आज वो परेशानी उठा रहे हैं। ये सब हमने जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सिस्टम डेवलप किया, उसमें हमने व्यापारी को तो हर जगह, जो ईमानदार व्यापारी था उसको तो हर जगह रोक दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप सुधार नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। और जिसके दिमाग में शुरू से मनसा है कि मुझे तो इस बाजार से चोरी करके जाना है, सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं इस तरह के प्रोविजन कर दिए गए हैं कि अगर मैं चोरी करके भाग जाता हूं तो मेरे जो बायर है उसे टैक्स ले जाएगा। आप समझिए, सरकार ने तो अपना तो इंतजाम कर लिया कि अगर ये आदमी चोरी करके भाग गया, ये आदमी माल बेच करके टैक्स जमा नहीं कराया, भाग गया, तो वो बी से जिसने माल खरीदा उससे टैक्स ले लेगी, परंतु जो बी है उसका क्या दोष है? इसमें भी सुधार आ रहा है, ये जो आप बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अभी तक यही हो रहा है, बट इसमें भी हो रहा है कि किस तरीके से इस चीज को रोकी जाए। मैं कह रहा हूँ कानून लाते समय, सिस्टम बनाते समय, कि इसका हमने हमारा बचाव देखा, व्यापारी को उतना, आज व्यापारी 90% 95% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, देते हैं, कुछ लोग हर जगह करप्ट होते हैं, सिस्टम में भी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो उनको ठीक करने की जरूरत है। उनको ठीक करने के लिए क्या हम 90% 95% को भी उनकी जो उनके हक है, मूल हक है, उनको रोक दें उससे? नहीं, मैंने यही कहा ईमानदारी, देखो ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज जो जीएसटी के रिफंड नहीं आ रहे, डेफिनेटली उसके लिए सरकार को चिंता है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है, और जो उन्होंने अभी जो स्टिमुलस पैकेज 23 अगस्त का दिया था उसके अंदर क्लियर कट कहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मैकेनिज्म बनाने में, बाकी उसके बाद में हम इसको एक्चुअली 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। एक बार मैकेनिज्म बन जाए उसके अंदर हम पूरा कर देंगे, उसके बाद में जितने भी आपके आज की तारीख के बाद के रिफंड होंगे वो 60 दिन के अंदर अंदर आपका जब से ड्यू हुआ विद इन 60 डेज ऑटोमेटिकली उनके यहाँ आ जाएगा। नहीं तो सरकार ब्याज देगी, तो उसको कोई कारण आएगा या फिर सरकार ब्याज देगी उस पर? देखो ये चीजें है, आज इंडस्ट्री अगर कोई मांगती है और अगर वो सरकार बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज हमारे 36 व्यापारी को भी माफ कर आज सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हो रही है हमको, प्रोफेशनल्स को हो रही है। आज सतीश गुप्ता जी पेन ले रहे हैं, आप पेन ले रहे हैं, मैं पेन ले रहा हूँ, बट व्यापारी को मैं कहता हूँ कि आपके एसोसिएशन है उनको जाकर के कहो कि साहब एक्चुअली हमारी कौन सुनता है, जबकि वो अपने जो काम करते हैं वो सब करवा लाते हैं, बट वो क्या है कहते हैं कि यार आप करवाओ उस काम। ऐसा मैं कहता हूँ कि सही कर रहे हैं, हियरिंग नहीं हो रही, लोगों को व्यापारी इतना डरा हुआ है कि हमारे को सुनता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं है, उनके जो मैं बताए सतीश जी देंगे इसका जवाब, सतीश जी कितना सुना जा रहा है बताइए आप। नहीं व्यापारी संगठन है ना सर वो, ये बिल्कुल विजय भाई साहब से मैं सहमत हूँ कि इसमें निश्चित रूप से वो अपने खुद के जब काम होते हैं, जब टैक्स रेट की बात होती है तो उसको खा लेंगे और काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ इनकम टैक्स जीएसटी इस तरह की चीजें हैं जहाँ की प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं वो तो जैसे यूनिटी हो, हाँ यूनिटी की कमी है, परंतु आप मूल रूप पे आए तो अपन, मैं आपको जो आज सब्जेक्ट आपने लिया है उस पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 25% से 22% टैक्स किया है और उसके साथ ये इन्होंने कह दिया कि आप कोई और डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, कोई ये पहले भी था ना, ये नहीं आप नहीं ले सकते, देर और बहुत सारे डिडक्शन नहीं ले सकते। चैप्टर 6 है कि सी में जितने भी हैं खाली 80JJAA, बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, उस सेक्शन को बाहर छोड़ दिया उन्होंने इससे, अदरवाइज ATIA को भी छोड़ दिया होगा मुझे लगता है, ATIA को भी नहीं छोड़ा, जॉब देने की बात है कि जॉब देने से उनको एक्स्ट्रा डिडक्शन देने की बात है उसको उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा काम किया से कम जॉब पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बाकी सारी सेक्शंस को उन्होंने कवर करते हुए कह दिया कि ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शन लेना है कि मैं ये इसमें जाऊंगा, ए में जाऊंगा, बी में जाऊंगा, और ऑप्शन लेने के बाद में आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं जा सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या है बेसिकली, अगर आपने कोई पैकेज ले रखा है तो उल्टा फंस जाएगा, कई बार तो मांगूंगे भाई, अगर ये दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा, या तो पैकेज में जाओ ATIA का बेनिफिट ले रहे हो तो आप या तो ATIA का बेनिफिट ले लो, या फिर ये व्यापारी को चॉइस दी है वो, इसमें एक अच्छी बात है बताना चाहूंगा सर आपके टीवी के माध्यम से कि इसमें कोई लास्ट डेट नहीं बताई,
कि साहब ये 5 साल के लिए लागू है, इसको हमेशा के लिए लागू किया गया इस रेट को, ये जब तक की कोई बदलाव अब फाइनेंस एक्ट तो नहीं आया तक, ये बहुत बड़ी बात है, कोई सनसेट क्लोज नहीं डाला गया कि 5 साल के लिए 3 साल के लिए, इट्स ए वेरी नाइस थिंग, देयर इज नो सनसेट क्लोज। ये तो $5 trillion जब तक नहीं होगा तब तक मोदी जी $5 trillion क्योंकि वो उनका 2025 तक का जो लक्ष्य लेकर चले। भावर जी चले आपके पास में आना चाहूंगा, $5 trillion के लिए सर पार्टनरशिप फर्म्स और एमएसएमई सेक्टर को साथ लेना पड़ेगा, आएगा सब आएगा। मैं आपके पास आना चाहूंगा, चले इस कदम के बाद में एक मार्केट में जो चर्चा होनी चाहिए, एक आप अपोजिशन के नेता है वो एक अलग इश्यू है, विरोधी पार्टी के नेता, लेकिन यो मार्केट में क्या चर्चा है? देखिए आम व्यापारी में तो आपने खुद ने भी आपके लोग भी सर्वे कर रहे हैं कि उनमें इससे कोई ज्यादा कोई खुशी वाली बात है ही नहीं। अभी तक इसके जो सवाल आएंगे तो बड़ी मछलियों को छूट है, अभी छोटी मछलियों को क्या छूट है, वो तो बेचारे मर रहे हैं, उनको क्या फायदा मिलने वाला है इससे। हकीकत तो ये बाजार कब बुस्टअप होगा, बाजार जब बुस्टअप होगा जब नीचे जाएगा तभी जाके बुस्टअप होगा। ये बड़े पैसे वाले लोग बाजार को खरीदारी नहीं कर सकते। हालत ये है कि आम आदमी का रोजगार जा रहा है। आज जो नोटबंदी हुई उसके बाद कितना फर्जी नोट बाजार में आ गया आपको पता है? अभी डाटा आया है 200 का 166% नोट फर्जी छप गए, 166% 2000 के नोट करीबन 30% फर्जी छप चुके हैं, आज 500 के नोट भी करीब 26% फर्जी छप चुके हैं। जो ये कह रहे थे सुनो मेरी बात, अब मेरे बात पर डिस्टर्ब नहीं करा है, अरे ये डाटा आपका मीडिया का, ये सरकार के डाटा है, ये फर्जी नोट बाजार, अभी 4 करोड़ के नोट तो जयपुर में पकड़े गए, 4 करोड़ 70 लाख के नकली नोट जयपुर में पकड़े गए ना परसों, आप ही ने स्लाइड चलाई है भाई साहब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आप ही कह रहे हो। तो फर्जी नोट आ रहे हैं बाहर, विदेश से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके क्या नाम बांग्लादेश के जरिए, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल के जरिए आ रहे हैं, नकली नोट बन के भारत की इकोनॉमी को भी क्रैश करेंगे ना इस तरह से नकली नोट। हालत ये बन रही है बाजार में, अभी जयपुर में पकड़े गए ना 4 करोड़ 70 लाख तो पकड़े गए ना आपके सामने, तो ये बहुत बड़ी करेंसी देश में नकली है। अभी एक मीडिया का मेरे पास वीडियो आया, उसने पूरा परसेंटेज बताया कि इतना नोट नकली छप चुका है भारत के अंदर। और आप देखिए कि नोटबंदी की उसके बाद में क्या मिला, कितने लाख करोड़ का तो नुकसान हुआ और मिला कुछ भी नहीं वहां पे, वो खोदा पहाड़ और चूहिया भी नहीं निकली, वो मोदी जी का जो मिशन था वो तो पूरा फेल हो गया। और उसमें बहुत बड़े अभी मैं आपको बताऊं नकली नोटों को, आप 2 नंबर की इकोनॉमी को बदलने का काम कौन कर रहा था? मार्केट में पैसा तो पहले जो वो आपने पहले कब्जा कर लिया था, वो आपने कब्जा कर लिया पहले 8 करोड़ रुपया हो गया। अभी आपको बताया कि मोटे ये जो मोटे सेठ है ना, अरे आप बताओ ये तो आप बताओ ना कहां गया, आपने मुझसे नहीं, ये जिनको कॉर्पोरेट टैक्स की छूट दी गई है इनको 5 लाख करोड़ की छूट ऑलरेडी मिलती है, सालाना दे रहे थे, ये तो एक्स्ट्रा छूट दी गई है इनको के पास और पॉलिटिशियन के पास पैसा है, ये मैं आपको बता दूं। पॉलिटिशियन आप ही ले रहे हो, आप ये बात बोल रहे हो, आप ये बात बोल रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक आईएएस को बार बार मतलब छोटे छोटे किसी आप उसको बेनामी प्रॉपर्टी में व्यापारियों को पकड़ रहे हो, आपने कितने आईएएस को पकड़ा बेनामी प्रॉपर्टी में, कितने नेताओं को पकड़ा, नेताओं को तो वही है, ये भी नेता और एक इस बार इन्होंने क्या किया, स्टेट में भी चालू कर दिया और इस बार मोदी जी ने कहा कि अब स्टेट क्लीन अप होंगे, अब तक सेंट्रल, अरे साहब उन्होंने 2014 में बोला था कि मैं अपराध करूंगा पार्लियामेंट को, विशेष है ना अदालत में बनाऊंगा, आज तक तो नहीं बनाई एक्चुअली, फिर क्या, अरे साहब उन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपराध भी ला लिया, क्या जाओ हमारे अंदर बीजेपी में समा जाओ, यहाँ पे टूट के चले जाओ आप, एक भाई हड़ताल देश बंदी के नेता रहे, अरे भाई साहब होने वाले तैयारी चल रही है, आप चिंता मत करो, होने वाले अभी ट्रांसपोर्ट की चल रही है 2 दिन से, अरे ट्रांसपोर्टर की चल रही है, ट्रांसपोर्ट की चल रही है ना, कहीं भी चले दिल्ली में चले चल रही है, और अभी मजदूरों को भी पूरे देश में होने वाली है, अभी होने वाली है, अभी 30 तारीख को दिल्ली में जा रहे हैं, 30 तारीख को जा रहे हैं, नहीं 30 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, स्वीकार करो कि सुधार हुआ है, नहीं कोई सुधार नहीं, बर्बादी हुई है, बर्बादी हुई है, नौजवानों की 45 साल में जो रोजगार गया वो आज तक नहीं गया, 45 साल में रोजगार की सबसे बड़ी दशा है, तो सिर्फ आप जो आप कब दावा करो 5 बिलियन ले जाओगे, मैं आपको बताता हूँ 5 ट्रिलियन कब से ले जाएंगे। सर मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, राजस्थान में मैं जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से, और पिछले 10 साल का डेटा मैं अपने यहाँ का दे सकता हूँ, जो हमारे हर साल कम से कम 20 से 25 नए उद्योग लगाने के लिए हम बैंक से फाइनेंस लेते थे, नई फैक्ट्री लगती थी, नई यूनिट लगती थी, एमएसएमई की यूनिट लगती थी,
पिछले 10 साल में डेटा घटते 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 ये हो गया है कि पिछले 2 साल में कोई एक आध कोई छोटी मुश्किल से नाम आ रहा है। आप बता सही कह रहे हो, बंद ही हो रही है, छोटियां बंद हो रही है, बंद हो रही है, लगना तो क्या है। अच्छा मेयर को छोड़ो, क्या हुआ, आप जनरल मैनेजर डीआईसी उद्योग केंद्र है ना, उसको बुला के वो वहां पर मक्खियां मार रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अजी 2008 से 2013 के 2009 से लगा के 2014 के बीच में क्या काम हुआ, जितने इंडस्ट्रीज थे, मैं आपको बताऊं, आप प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जितने इंडस्ट्रीज थे उन सब एक्चुअली रियल एस्टेट में घुस गए, जितने आप वहां थे क्या गोदाम बन गए, वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा था। मैं आपको वहां पे रियल सरकार की गलती हो रहा है ना, ये क्यों चेंज हुआ ना, रियल एस्टेट में उनको भी बर्बाद कर दिया आपने तो, नहीं नहीं बर्बाद ही पड़ा है वहां, कौन सा बेस्ट अलग होती है, शाम की रेट अलग होती है, रियल एस्टेट की पोजिशन ये थी, सब लोग रियल एस्टेट में उनको भी मार दिया आपने। उसके बाद में 2014 से तो आप ही सरकार है, हाँ तो 2014 के बाद 6 साल हो गए सर, उसके बाद में तो प्रॉपर्टी एक्चुअली वापस उसी जगह पे जा रहे हैं आप, धीरे धीरे जाकर के मैन्युफैक्चरिंग आपने उनको मार दिया ना, 5 साल तक कोई मेकर है, बहुत बड़ी रात की बात है, विजय साहब 70 साल से तुलना नहीं कर रहे हैं फिर भी। मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको पता है, सबको पता है कि क्या हुआ था 1949 से लगा करके 2008 तक 9 तक पैसा जो दिया था वो 17 लाख करोड़ था बैंकों का, उसके बाद में कितना हुआ, सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने 51 लाख करोड़ कर दिया उस पैसे को। आप क्या बात करते हैं, जो एनपीए बढ़ रहे हैं, जो क्लीनअप हुआ है, ये उस पुरानी सरकार की जो 10 साल की गवर्नमेंट चली है ना, उसकी देन है। आप 5 साल भगाए तो आपने, छत्तीस आपके राज में भागे सारे लोग, तो भाई साहब आप ही भगाने वाले, भागने वाले कौन है, गुजरात के से डर के भागे, राजस्थान में कोई नहीं भागा, डंडा आ गया, कोई डंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, आपने भगाया पैसे ना, अरे भाई साहब कौन आ रहा है, विजय माल्या कौन का आदमी, मोदी किसका, नीरव मोदी किसका आदमी, आप ही के आदमी है और आप ही के लोग भगाने वाले, आपका वित्त मंत्री भगाने वाला था भाई साहब, भंवर सिंह तो अरे आपके वित्त मंत्री भगाने वाले हैं भाई साहब, केरल से भी बचाओगे, कोई नहीं कहीं नहीं होता, आप देश से तरीके से आप देश के जाने वाले हो, ये ध्यान में रखो, देश से जाने वाले हो, देश से देखो अच्छा काम करके, समय कम है, मैं एक कितना FDI आ रहा है, आपने FDI 100% सोल दिया, कौन आ रहा है FDI, आप लोकल मार्केट को मार रहे हो, हमारे मिले कितने हैं, लोकल उद्योगपतियों को मार रहे हो, समय कम है, कमी नहीं है, चलिए एक मिनट के लिए मैं सचिंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा, लबल हो आप ये मिश्रा साहब कि हम क्या माने इसे, इस अनाउंसमेंट से, कि वास्तव में इन फ्यूचर कुछ राहत की उम्मीद की जानी चाहिए, या सरकार अभी भी उस ट्रैक पे जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि हाँ जिससे वास्तव में हमारी GDP ग्रोथ कर सकती है, या उसके अलावा कहें कि मार्केट में जो मायूसी छाई हुई है वो एकदम से दिवाली तक स्थितियां साफ हो सकती है, ऐसा कुछ और चाहते हैं नहीं साहब, एकदम से आप पूरे मार्केट को, मैंने कहा ना कि साहब आपका जो शेयर मार्केट है वो पूरे मार्केट का रिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो उसने जरूर ये भी, फिर भी उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप इन्होंने जो लिए, इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको हमको आने वाले करीब साल डेढ़ साल के अंदर नजर जरूर आएंगे, लेकिन जब तक कि इस जो छोटे से पैकेज के साथ, मैं उसको छोटा सा इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो 1.5 लाख पौने 2 लाख करोड़ का है, लेकिन जब तक कि इसको कंप्लीट पिक्चर नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि हम MSME सेक्टर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बैंक से उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, जो उनकी लेबर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो उनके PF ESI से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, PF वाले वहां जाते हैं वो उनको अरेस्ट करने का वारंट दे देते हैं, वहां पर PF के साथ भी ये समस्या है बहुत बड़ी, PF और ESI की बहुत बड़ी समस्या है, तो जब तक इन सारे के सारे इश्यूज को अपन एक लार्जर पिक्चर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना, बिल्कुल तब तक केवल एक जरूरत है हमारा सारी सॉल्यूशन, उन्हें उनकी तरह से एक फ्रेंडली बनाई है, आप उन्हें ये पहला कदम जो है वे इसका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मेरा आखिर सवाल सतीश जी आपसे है मेरा, ये माना जा सकता है कि चलिए ये कॉर्पोरेट टैक्स, और ये कहा जा रहा है कि बड़े जो घराने हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इससे, अभी नीचे का जो मार्केट जिसको उठना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा इसका, जैसे हम चर्चा में कर रहे हैं खासकर MSME सेक्टर हो चाहे दूसरे लोगों, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए जो बैंकों को देने की बात कही थी, और निर्मला जी को मैं जब सुन रहा था उनसे कहा कि इससे लोन मिलेगा, मार्केट में इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वापस से बूम कर पाएंगे, ये उसका असर कहा जा सकता है कि पहले बेनिफिट MSME सेक्टर को 70,000 करोड़ के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, और 1.45 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट घरानों को, ये कहें कि टैक्स रिबेट से, ये कुछ इसका दोनों को मिला करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, सरकार का नियत अब बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार ने मान लिया है कि इकोनॉमिक पोजिशन हमारे देश की अभी वीक है, इसके बाद जो सुधार के कार्यक्रम लिए गए हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु ये पूरे नहीं है, जैसे मैं बताऊं अभी आज की तारीख में अगर ये बोलते कि इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट बढ़ा दिया गया है, इंडिविजुअल की लिमिट बढ़ा दी है, पार्टनरशिप फर्मों पे 25% टैक्स कर दिया गया है, पार्टनरशिप फर्म पे का क्या है, नहीं कर देते कर देते हाँ, कर देते साथ इंडिविजुअल की मैक्सिमम लिमिट बढ़ा देते,
और कुछ स्पेंडिंग का घोषणा करते हैं, इतना रुपया अभी से तुरंत, और उसकी तेजी इतनी चाहिए। अगर आप दिवाली तक बेनिफिट चाहते हो तो सरकार को जो प्रोजेक्ट्स हैं कैपिटल प्रोजेक्ट 16 करोड़ रुपया शुरू होने चाहिए सर, और शुरू होंगे कम से कम उसमें। आज तो मेरा जो ठेकेदार वर्ग है ना सर, अपने देश का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आज तो उसकी माया जाल से बाहर निकल पा रहा है कि मैं जीएसटी कितना देना है मुझे, कितना टैक्स बनना है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप लोगों का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना समय हमें दिया, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। आई थिंक अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरी डिबेट आज अधूरी रह सकती थी। बहुत ही डेप्थ में आप लोगों ने चीजें बताई है, क्योंकि मैं ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता था कि शेयर मार्केट को आप वो हकीकत मत मानिए, अगर डाउन भी होता है तो ये मत मानिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही गर्त में चली गई है, और अप हो गया तो ये मत मानिए कि आज ही दिवाली मन गई है, वो भी नहीं है। तो ये एक चीज है, वास्तव में जनता के बीच ले जाना बहुत जरूरी था, जो हमें लगता था, तो वो हमने कोशिश की है। कुछ पहलुओं को छूने की भी कोशिश की है कि कहां आवश्यकता महसूस हो रही है और क्या करना चाहिए अभी, ताकि मार्केट और उठ सके और इकोनॉमी वापस से हमारी बुस्टअप हो सके, साथ ही पटरी पे आ सके, सबसे बड़ी बात जो हम कह सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।